सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज मैं दसम वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग दो पद्य खंड काव्य खंड पाठ 3 बिहारी के दोहे का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप जान लें कि बिहारी ने मात्र एक ही ग्रंथ की रचना की। बिहारी के ग्रंथ का क्या नाम है? तो बिहारी के ग्रंथ का नाम है सतसई। बिहारी किस भाषा के कवि थे? बिहारी ब्रजभाषा, मानक ब्रजभाषा के कवि थे। बिहारी के कविताओं में किस रस का पुट मिलता है? बिहारी के कविताओं में मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहे का पुट मिलता है, किंतु लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों पर भी इन्होंने दोहों की रचनाएं की हैं। इनके दोहों से पता चलता है कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण थे। बच्चों, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, ये प्रश्न है। जेठ की दारुण दोपहरी से त्रस्त होकर, जेठ मास के दारुण गर्मी से दोपहरी से त्रस्त होकर छाया भी छाया ढूंढने लगती है। बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सब तेरा ही है, मेरे ही है की बात स्पष्ट कीजिए। बिहारी की नायिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह सोचती है यदि प्रिय का हृदय भी मेरे वियोग के कारण मेरे प्रेम हेतु मुझ जैसा ही उत्कंठित होगा तो उसे अपने मन की स्थिति जानकर मेरे मन की स्थिति का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बिहारी ने कहा कि कही है सब तेरा ही हो, मेरे ही की बात है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो दुखी होता है उस दुखी के गति को, व्यवहार को कोई दुखी व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में दुख का अनुभव किया है। सच्चे मन में राम बसते हैं दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। जप माला छापा तिलक वाले दोहे में बिहारी ने इस आशय का एक प्रसंग उद्धृत किया है कि साचे राचे राम अर्थात तिलक लगाने से, माला का जप करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जिसके हृदय में सत्य का वास होता है, क्योंकि सत्य ही नारायण का स्वरूप होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वह कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वह हृदय ग्राही होता है। द गुड, द ट्रू, द ब्यूटीफुल, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही नारायण का स्वरूप होता है। इसलिए जिस जिसने अपने जीवन में सत्य को अपनाया उसका जीवन सुख से परिपूर्ण हो गया। जिसने सत्य व्रत की उपेक्षा कर दी वह महान विपत्ति में फंस जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि साचे राचे राम, सत्य में ही, स्वच्छ हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है। बच्चों, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है? गोपियां श्री कृष्ण की मीठी मीठी बातों को सुनने के लिए, मीठे मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उनकी बांसुरी छिपा लेती है। बिहारी ने, कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखें। बच्चों, बिहारी ने बताया है कि सबके उपस्थिति में प्रेमी प्रेमिका,
अपने आंखों के इशारों से बात कर सकते हैं, करते हैं। अब आगे निम्नलिखित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है। मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभाव, प्रस्तुत कवि पंक्ति कवि बिहारी द्वारा लिखित है। कवि ने श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों में सुसज्जित सामले वर्ण के शरीर की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि उनका रूप ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रभातकालीन सूर्य की प्रकाश से किरणें पड़ रही हैं। ऐसा श्यामले शरीर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं, तो उनकी पीतांबर की शोभा वैसी हो रही है जैसे मानो नीलगिरी पर्वत पर प्रभातकालीन सूर्य के किरणें पड़ रही हो। इसमें कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, मानो ऐसा मालूम पड़ता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, कोमल कांत ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्री कृष्ण के स्वाभाविक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बच्चों अगली पंक्ति है, जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बिहारी ने साधुओं के निवास और तपस्या द्वारा जंगल की भूमि को तपोवन बना देने का वर्णन किया है। जंगल में भयंकर जानकर बाघ सांप का निवास होता है, किंतु वही संत जनों साधुओं के कारण उसी भयंकर भूमि को तपोवन के नाम से पुकारा जाता है। जगत तपोवन सौ कियो इसमें उपमा अलंकार है, जगत को संसार को तपोवन के समान सुंदर बना दिया है, ऐसा उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा छंद की पंक्ति है, कवि ने सज्जनों की महत्ता प्रतिपादित की है, कोमल कांत ब्रजभाषा में लिखित दोहा है, सरल स्पष्ट प्रवाह युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। बच्चे जब माला छापे तिलक शरण कौ काम, मन का चैना चै वृथा साचे राचे राम। कवि बिहारी ने सच्ची भक्ति सच्चे हृदय से प्राप्त होती है ऐसा कहा है। इस ओर संकेत किया है कि बाह्य आडंबर द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। कांचे नाचे तथा सांचे राचे में एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने मन की शुद्धता को ही भक्ति माना है तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। ब्रज भाषा एवं माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, दोहे में गेयता और लयबद्धता विद्यमान है, भाषा ललित और प्रसाद गुण संपन्न है। सत्सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के संबंध में लोग कहते हैं कि बिहारी के सत्सैया के दोहे जो है वह अत्यंत भाव से परिपूर्ण है, वह देखने में छोटा लगता है लेकिन उसमें भाव की गंभीरता है, विशिष्ट अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए सत्सैया के दोहरे को समझना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझाया, आप इसे याद करेंगे और अपने जीवन में उपयोगी दोहों को उतारेंगे। धन्यवाद।